नमस्कार, गायत्री अन्नपूर्ण रसोई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मक्का की रोटी से लड्डू, और इसके अंदर डलेगा मीठे के लिए गुड़। आप जब कभी भी गुड़ डालिए तो ये लाल वाला ही डालिए। ये गुड़ मैं ताजी जहाँ ये बनता है वहीं से लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट गुड़ है। इसको आप ऐसे हाथ से दबाएंगे तो ये यूं ही टूट जाएगा। जब कभी भी आप अपने बच्चों को दें ना गुड़, तो ज़्यादातर जहाँ ये बनता है वहीं से लेके आइए, और या फिर लाल कलर का खरीदिए। अगर वहाँ पे नहीं जा सकते तो ऐसा लाल कलर का ही लेके आइए। हम इसे पीस लेते हैं। सर्दी में बच्चों को गुड़ जरूर खिलाइए, ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए। ये देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, आपको भी ऐसे ही पीसना है। गांव में तो इन्हें सभी बना के खाते हैं, लेकिन शहर में बहुत कम लोग जानते हैं। मक्का की रोटी से लड्डू भी बनते हैं। और इसके अंदर इस गुड़ को ऐसे हाथ से मसल के डाल दीजिए। इसको बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए, ताकि ये अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, इसमें डालने के लिए मैंने लिया है घर का मक्खन। इसे मक्खन को थोड़ा ताल लेते हैं इसमें मिलाने के लिए। आप इसके अंदर घी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें मक्खन डाल रही हूँ, ये घर का ताजी मक्खन है। इसको ऐसे करके मिक्स करते रहिए। मिक्स करके आप इसके लड्डू बांध लीजिए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।